तो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर में तीन तरह के मॉडल दिए हैं। पहला है थॉमसन मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा है बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो बस उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, इन सब चीज़ के बारे में बताया गया है। एटम के बारे में बताया गया है ना, कि एटम में किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, इलेक्ट्रॉन किस किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। तीनों आपको लिख के बताना है कि क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं तीनों में। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं थॉमसन मॉडल में। तो थॉमसन मॉडल क्या है, देखो, कह रहा है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो इसको ध्यान से देखना है। तो क्या कह रहा है कि ये आपका थॉमसन मॉडल जब आप पढ़ोगे तो उसमें प्लम पुडिंग मॉडल का जिक्र है, जो कि इस तरीके से आपका दिखाया गया है। प्लम पुडिंग क्या होता है, क्रिसमस डे पे उसको सर्व करते हैं खाने के लिए। उसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, मतलब अंदर की तरफ होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो उसी तरीके से इसको डिस्प्ले किया गया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका स्फीयर है, जो आपका खाली पोर्शन दिख रहा है ना, वाइट वाइट सर्कल में ये खाली पोर्शन, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये तो आपको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो आपका खाली पोर्शन है, स्फीयर जो है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। सिर्फ स्फीयर, ये चीज़ छोड़ के, ये चीज़ छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव है। और ये जो है ये नेगेटिव है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स है, एम्बेडेड है इसके अंदर। बस इतना ही इसमें बताया गया है। ठीक है, ये नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, अब रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर नोन एज द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके चारों ओर या फिर यहाँ वहाँ हर जगह छोड़ के सिर्फ सेंटर में ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कंसेंट्रेटेड का मतलब जो एक ही जगह है, चारों तरफ बिखरे हुए नहीं है, जैसे कि आपका थॉमसन मॉडल कह रहा था कि हर तरफ है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है माइनस का छोड़ के बाकी सारा भरा पड़ा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से। पर ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सेंटर में है, बस इतना समझो। सेकंड, ये कह रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, मतलब ये जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है साइज़ में। और थर्ड बात कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, ये मतलब ये ऑर्बिट है आपका, अच्छा खासा ऑर्बिट है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। बस इतनी सी बात वो बता रहे हैं। बोहर्स मॉडल क्या कहता है आपका, बोहर्स मॉडल भी सेम चीज़, मतलब ये सेम फिगर यहाँ छाप दो, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, ये कह रहा है कि देयर आर ओनली सर्टन ऑर्बिट्स। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आप ऐसे बना सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्बिट्स बना लो ऐसे करके, ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो देयर आर ओनली सर्टन ऑर्बिट्स, मतलब एक ये ऑर्बिट है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे तीन बनाए हैं मैंने, आप चार भी बना सकते हो चौथा। सर्टन ऑर्बिट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, एक सर्टन ऑर्बिट है जिसका अपना सर्टन पाथ है, जो कि डिस्क्रीट है, मतलब सबसे अलग है, डिसोसिएट है, ठीक है, सबसे अलग है, ठीक है, और कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। जैसे कि आपका सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व करता है, या जैसे जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि सन जो है वो अर्थ से टकरा जाता है, या मून से टकरा जाता है, या किसी भी दूसरे प्लैनेट से टकरा जाता है ना, ऐसा तो नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे है, ये कह रहा है कि दे आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स, कुछ ऑर्बिट्स हैं नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, मतलब जो अलग हैं, ये सब सारे सेल, मतलब सारे सेल या ऑर्बिट दोनों सेम है, सेल ऑर्बिट दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, तो सारे ऑर्बिट से अलग है। इनसाइड द एटम, एटम के अंदर, इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब अब ये जो आपका ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आप कहीं भी बना सकते हो लेकिन आप ऑर्बिट में ही बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीच में बना दो, बीच में नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो सेल के अंदर ही चक्कर लगाएंगे, ऐसा नहीं है बाहर चले जाएंगे,
जैसे कि आपका अर्थ है अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, वही एक्सिस उसका क्या हो गया, जो चारों तरफ जो गोल गोल सा आप देखते हो, ठीक है, मतलब ये अगर सन है और अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे इसका ये एक्सिस हो गया ना, अपने एक्सिस पे ही चक्कर लगाता है, तो यही इसका ऑर्बिट हो गया एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, तो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर तो लगा रहा है, पर एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर रह के, ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो घूम रहा है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती तो है पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे ये एक बात जो है उठी थी रदरफोर्ड्स मॉडल में, कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है तो क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव का है और ये माइनस का है, तो दोनों को पास में आ जाना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस जो चिपकने की कोशिश करते हैं, अगर पास में आ जाएगी तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कोलैप्स हो जाएगी, मतलब भिड़ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। माइनस प्लस एक साथ नहीं मिलने चाहिए, अगर मिल गई तो मामला ख़त्म, ठीक है। तो ये बात हुई थी, तो इसका आंसर देते हुए बोहर्स मॉडल ने ये बताया, मतलब बोहर जी ने ये बताया कि एक ऑर्बिट में चक्कर, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करती है, वही ऑर्बिट एक्चुअली एनर्जी, उसमें ऑलरेडी एनर्जी होती है, उस ऑर्बिट में ऑलरेडी एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कोई भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, और वो हमेशा रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।